हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये देखिए मेरा बोगनविलिया का प्लांट है जिसे मैं बोनजाई बना रही हूँ। तो ये कम से कम भी ये प्लांट जो मेरा है, आप इसकी ये देखिए जो है तना है जो इसका कम से कम भी 3-4 साल का ये प्लांट है मेरा। तो इसकी ये देखिए नीचे से काफ़ी ये हार्ड प्लांट जो है, काफ़ी हार्ड है ये। तो इसकी मैं जो है कटिंग देगी, एक तरह से इधर ब्रांचेस जा रही है और एक तरह से इधर जा रही है। तो इसको ये मैं देखिए इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये अलग अलग शेप में जा रहा है मेरा। ये थोड़ा सा जैसे ऊपर है आपको दिखा दूँ मैं, तो थोड़ा सा दूसरा ये नीचे है। इस तरह से आप इसके जो है, आप अगर इसकी बेल बनाना चाहते हैं तो बेल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको गमले में लगाया हुआ है तो मैंने इसको जो है इसको बोनसाई बनाने की शेप दे रही हूँ। तो ये बहुत ही आसानी से लग रहा है, ना ही इसकी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है मेरे को। तो जब ये फूल का मौसम होता है तो बहुत ही अच्छे फूल भी देता है। दूसरी बात है इसमें ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये काफ़ी गर्मी में भी अच्छी तरह से चलता रहता है। तो अब मैंने पिछले महीने इसकी थोड़ी कटिंग की थी, तो जब भी मैं ब्रांचेस को देखती हूँ तो इसको मैं शेप देती रहती हूँ। तो अगर आपको बोनसाई बनाना चाहते हैं तो आप बोनसाई भी बना सकते हैं। तो ये आपके हिसाब से जैसा भी आप इसको देना चाहें आकार, वैसा आकार इसको दे सकते हैं। तो मैंने देखी इसको एक बोनसाई है, इसकी दो ब्रांचेस ही मैंने रखी थी, एक साइड पे इस तरह पे रखी, दूसरी साइड ये साइड पे रखी थी। तो मैंने इस तरह से इसकी जो ब्रांचेस हैं, आपको ऊपर देखिए, आप इस तरह देख लीजिए, इस तरह से इसकी जो ब्रांचेस हैं ये अलग से ब्रांचेस है इसकी, ये अलग बनी हुई है, दूसरी इधर से अलग बनी हुई है। तो आप कोई भी इसको शेप देना चाहें, अगर एक साइड से देना चाहें तो एक साइड को भी दे सकते हैं। तो मैंने इसको दोनों साइड से इसकी जो ब्रांचेस हैं बनाई हुई हैं। अगर आप इसको जैसे कि छतरी के रूप में बनाना चाहें तो उस तरह से भी बना सकते हैं। तो मैंने, मेरे पास 3 प्लांट हैं, ये तो एक ही कलर के हैं, तो मैंने तीनों ही बोनसाई बनाए हुए हैं। तो ये मेरा एक प्लांट है जो काफ़ी पुराना हो चुका है, 3 साल का पुराना प्लांट है ये मेरा। तो काफ़ी अच्छा ये प्लांट मेरा चल रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।